दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग फिजिक्स का डिजिटल क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हूं। और ये फिजिक्स का 25वां लेक्चर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। याद रखेगा, नया चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं रह जाएगा, ठीक है। यह आखिरी चैप्टर आपका फिजिक्स का चल रहा है, इसके बाद आपका पूरा का पूरा फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया। तो अगर आपको कोई भी विषय नहीं आता हो, किसी विषय के किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के उस विषय को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा और कुछ भी आपको यहां पर याद करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जब यह चैप्टर मेरे सामने आया और जब मुझे लगा यह चैप्टर पढ़ाना है, तो अपने आप में बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन इसमें मैं बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। उन तथ्यों के माध्यम से जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहानी बता रहा है आज से लगभग 2600 वर्ष पहले की। कैसे 2600 वर्ष पहले, मतलब 600 बीसी की बात कर रहा है, यानी ईसा मसीह के जन्म के भी 600 साल पहले की बात कर रहा है, जिस काल में महाजनपद काल हुआ करता था, ठीक है। मगध वगैरह जब राज्य था तब की बात कर रहा है, लेकिन आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व यूनान देश के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था उस दार्शनिक का? नाम थेल्स है। और सबसे पहले उस दार्शनिक ने अंबर नाम के एक पदार्थ को ऊन के साथ रगड़ा। किसके साथ? ऊन के साथ रगड़ा, और रगड़ने के बाद देखा कि उस पदार्थ में हल्का वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण पैदा हो गया। अचानक से एक गुण हो गया। हम लोग दोस्तों आपको पता हो गया, छोड़ो इस वैज्ञानिक की बात, छोड़ो दार्शनिक की बात, छोड़ो, हम लोग बचपन में काम करते थे, ठीक है। आपको याद होगा छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रख लेते थे और कंघी को या पेन को ऐसे बालू में रगड़ते थे और उस कागज के पास ले जाते तो कागज आकर के चिपक जाता था, ऐसा होता था ना, एक कंडीशन। दूसरा चीज आपको याद होगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता था कि दो पेन को ऐसे रख करके एक तीसरे पेन को ऐसे घुमाया जाता था चारों तरफ से ऐसे ऐसे, तो पेन के अंदर जो थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण आ जाता था, मतलब थोड़ा सा चिपक जाता था, यह भी हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जिस सलाई से ऊन जो है बीना जाता है उस सलाई को सर पर रगड़ करके किसी चीज को चिपकाने पर जल्दी उसमें जो है चिपक जाता है। तो इस तरह के कुछ क्रियाकलाप हम लोगों ने बचपन में किया था, उसी तरह का क्रियाकलाप यहां पर थेल्स बंधु ने किया और उन्होंने देखा कि ये जो अंबर नामक पदार्थ है ये ऊन से रगड़ने के बाद उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के छोटे टुकड़ों या तिनकों को आकर्षित करने का एक गुण आ गया। उनके समझ में ये नहीं आया कि गुण पैदा कहां से हुआ। या आपने कभी समझा कि इस पेन को रगड़ने से अगर ये कागज जो है चिपकने लग रहा है तो ये आखिर में हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। तो आगे देखिए बता रहा है, कह रहा है ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें एक दूसरे से रगड़ने पर उनके अंदर ऐसा ही गुण उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले बात यह आती कि सर उन वस्तुओं का नाम बता दीजिए कम से कम, ठीक है, ताकि दो चार चीजें हमें पता हो। जैसे लिख रहा है कि जैसे रेशम है, ठीक है, जैसे लकड़ी है, जैसे रबड़ है, जैसे कांच है, इन सब वस्तुओं में उस तरह के गुण पाए जाते हैं। किस तरह के? यानी आकर्षित वाले गुण जो है वो पाए जाते हैं। लिख रहा है वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का यही गुण क्या कहलाता है? यही वैद्युत आवेश कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज नाम दिया जाता है। वैद्युत आवेश को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों हम लोग कहते हैं इसके अंदर कोई ना कोई वैद्युत आवेश, उस वैद्युत आवेश की वजह से ही ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने से तरफ आकर्षित कर रहा है। ये वो जो चार्ज है ना, ये वो चार्ज आकर्षित कर रहा है, और चार्ज को क्रिएट किया गया। अगर आपने रगड़ा नहीं होता तो क्या वो गुण उसके अंदर आता? कभी नहीं आता। यानी आपके रगड़ने की वजह से, आपके रगड़ने की वजह से उसमें गुण पैदा हुआ है, यानी वो चार्ज पैदा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। एक एक शब्द पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखिए, कर आवेश उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के तहत आप आवेश को पैदा करते हो, आवेश माने जो चार्ज है, जिस प्रक्रिया के तहत इस चार्ज को पैदा करते हो उसी को आवेशन कहा जाता है, इंग्लिश में चार्जिंग कहा जाता है। अरे भाई, आवेश जैसे आएगा, जिस प्रक्रिया से आवेश आता है उस प्रक्रिया को आवेशन या चार्ज कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट दे रहा है, इस गुण को प्राप्त करने वाला वैद्युतमय पदार्थ, यानी वह पदार्थ जो इस गुण को प्राप्त करेगा, जैसे वो कलम जो इस गुण को प्राप्त करता है वो आवेशित पदार्थ कहलाता है, चार्ज
उसी को बोलते हैं ना, चार्ज मैटर उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये आवेशित पदार्थ हो गया, तो वो पिन क्या हो गया, वो आवेशित पदार्थ हो गया। लिख रहा आवेश के कारण ही वस्तु में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आ जाता है उसी को विद्युत कहा जाता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यानी सर ये जो हमने यहां पर रगड़ा सर उससे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हाँ वही इलेक्ट्रिसिटी है, आज उसी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। आप समझो एक एक पॉइंट को समझो, अभी और भी अच्छे से मैं आपको समझाता हूं। लिख रहा घर्षण से प्राप्त इस प्रक्रिया को, घर्षण माने घिसने से, घर्षण माने घिसने से, घर्षण से प्राप्त इस प्रक्रिया को, ठीक है, इस प्रकार सॉरी घर्षण से प्राप्त इस प्रकार की विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। फ्रिक्शनल यानी जो घर्षण की वजह से पैदा हुआ हो। लिख रहा यदि घर्षण से प्राप्त आवेश वहीं पर स्थिर रहे, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आवेश स्थिर हो सकते हैं या तो आवेश गतिमान हो सकते हैं, गतिमान माने चल फिर रहे। तो अगर स्थिर होंगे तो वहां पर स्थैतिक या स्थिर विद्युत कहा जाएगा, ठीक है, स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। वहीं अगर ये आवेश गतिमान होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, गतिक विद्युत कहा जाएगा यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा। समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट समझिए, इत्मीनान से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी आपको और सारे टर्म्स यहां इस्तेमाल करता हूं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा आवेशों के प्रकार, सर कब से आप आवेश आवेश करते जा रहे हो, आवेश क्या होता है, इंग्लिश में आवेश को चार्ज कहा जाता है। सर चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हमको दोनों भाषा में बताइए आवेश क्या होता है। टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताने जा रहा हूं, दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव, दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं। अब सर ये पॉजिटिव निगेटिव होता क्या और कैसे पता लगता है कि कहां पर पॉजिटिव है कहां पर निगेटिव है, या ऐसा होता ही क्यों है, क्यों होता है भाई। आपने पढ़ने को पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आपको रटना नहीं है, आपको मैं समझाऊंगा। यहां गजब की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, उस कहानी से पूरे चैप्टर का निचोड़ पता चलेगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं इसकी बातों को बता देता हूं फिर आपको कहानी सुनाता हूं। लिख रहा किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कब होगा, जब घर्षण की स्थिति बनती है तो पदार्थ क्या हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। कह रहा किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश प्राप्त कर लिया है, और जब आवेश प्राप्त कर लेता है तो याद रखिए दो प्रकार के आवेश आते यहां पर सामने, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और निगेटिव। कह रहा है ये आवेश पदार्थ में उपस्थित धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों पर ही निर्भर करते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी पदार्थों के अंदर कोई धनावेशित और कोई ऋणावेशित कण पहले से मौजूद होता है। सर हमने तो कभी सुना नहीं, आपने सुना क्या, नहीं समझ में आया ना, चलो मैं आपको कहानी छोटी सी बताता हूँ। दोस्तों आपने सुना होगा कि जो कोई भी पदार्थ हो इसके जो मूल कण यानी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दुनिया में चाहे कोई भी चीज उठा लो ये तीन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बताया गया ना आपको, एकदम इत्मीनान समझिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। अब आप कहोगे सर क्यों चक्कर लगाता है, वो भी बताऊंगा, क्यों अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों अंदर होता है वो भी बताऊंगा। क्या है चक्कर लगाते लगाते इलेक्ट्रॉन सर भाग नहीं सकता है, बिल्कुल भाग सकता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले इसको पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो वहीं पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, जो अंदर वाले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, घर के अंदर पॉजिटिव है, और जिनके पास कोई घर नहीं होता जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है सदैव निगेटिव चार्ज वाला होता है। लिख रहा है ये आवेश पदार्थ में उपस्थित धनावेशित तथा ऋणावेशित कणों पर ही निर्भर करते हैं, उन कणों के बारे में भी अभी चर्चा करूंगा, थोड़ा समय दीजिए। लिख रहा उदासीन पदार्थों में इनकी संख्या समान होती है, कभी कभी क्या होता है कि पदार्थ उदासीन हो जाता है, जब पदार्थ उदासीन होता है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कब उदासीन होगा, या कोई ऐसा पार्टिकल जो उदासीन रहता हो, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कहा जाता है, न्यूट्रल मतलब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो हम प्लस में ना तो हम निगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल ही न्यूट्रॉन है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है न्यूट्रल कौन सा पदार्थ है, ठीक है, या कौन सा कण है, तो बताना पड़ता हूं आप कि न्यूट्रॉन ही क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा ये जो नाम है ना, ये धनावेशित ऋणावेशित इस तरह का जो नाम है, ये नाम एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन, उन्होंने दिया था 1750 ईस्वी में, नाम फ्रैंकलिन ने दिया था, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कह रहा ध्यान रहे सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे लिख रहा किसी पदार्थ में आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा
द्वारा होता है। छोड़ो, अब आप कहोगे सर नहीं याद हुआ, सुनो मेरी कहानी सुनो। दोस्तों अगर हम अपने निजी जीवन की बात करें, बुरा ना मानिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण का एक कुछ ऐसे उदाहरण ले रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों हमारे इस मानव जीवन में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, दो तरह के, एक जो है औरत होती है, एक जो है मनुष्य होता है, मनुष्य और औरत, ठीक है। अच्छा नॉर्मली होता क्या है कि आपका आकर्षण किसके प्रति ज्यादा होता है, महिलाओं के प्रति ज्यादा होता है, और महिलाओं के अंदर जो आकर्षण होता है वो पुरुषों के प्रति ज्यादा होता है, ऐसा देखा जाता है। हालांकि आज जमाना बदल गया है, आज जो है कई सारे ऐसे केस मिल रहे हैं जहां पर महिलाएं महिलाओं के प्रति आकर्षित हो रही हैं, पुरुष पुरुषों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर इस प्रकृति के नियम को देखा जाए तो यहां पर आपको पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि दोनों अलग अलग गुण के हैं, ठीक है। यानी अगर यहां पर देखे बोल रहा है सजातीय आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो तरह के शब्द हैं, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित आने यानी अपनी तरफ खींचना, तो आप किससे आप खिंचाव महसूस करते हैं, महिलाओं से, ठीक है, लड़कियों से आपका खिंचाव होता है, आपका लगाव होता है, आप उनके करीब जाना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना, ये वो हार्मोन हमसे करवाते हैं, ये मानव खुद नहीं करता, ये उसके अंदर जो हार्मोन होता है वो उसको करवाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जो हार्मोन है दोस्तों ये निकलता है, स्रावित होता है, तो व्यक्ति के अंदर उस तरह की इच्छाएं जो है प्रकट होती हैं। अब बात आती है दोस्तों कि आप किसको देखकर आकर्षित होते हैं, यानी जो आपके अपोजिट होता है, यानी सजाती वालों को नहीं, आप किसी लड़के को देखकर के आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। तो सजाती वालों के साथ नहीं, आप जब बिजाती वाले होते हैं तो वहां पर आकर्षण होता है। तो वही बात बता रहा है, कह रहा सजाती आवेश वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजाती यानी जो अलग अलग जाति के होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं, ये ध्यान आप रखना। आगे ले रहा है, किसी पदार्थ में आवेश का स्थानांतरण, जो आवेश होता है ना, इसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। सर साबित करके दिखाओ कैसे होता है, हम तो नहीं मानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों से इसका स्थानांतरण होता है। सर आप बताओ तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही, मत मानना, क्योंकि विज्ञान कहता है कि कुछ भी बताया जाएगा तो उसका रीजन है, उसका कारण है। क्यों इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है यह मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक यह नहीं साबित करूंगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे आप स्विच ऑन करते हैं और वहां जाके बल्ब जल जाता, कैसे पॉसिबल है। यहां आपने स्विच ऑन किया, वहां बल्ब जल गया, आपने स्विच ऑन किया, एसी चल गया, ठीक है। आखिर ये कैसे हुआ, यानी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो अंदर उस वायर में हुआ क्या, वो मैं आपको यहां से बताऊंगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो चार्ज है ना, वो चार्ज पार्टिकल ही दौड़ते हैं, और ठीक है वो जिस दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है, उसी दिशा में विद्युत धारा बहती है। लेकिन कैसे, उसकी पूरी कहानी आपको अभी बताऊंगा मैं, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। आगे लिख रहा है, विद्युतीकरण के सिद्धांत क्या है, मैं आपको सिद्धांत को बताता हूं कि कैसे विद्युत जो है प्रवाहित होती है। लिख रहा है, सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा पदार्थ की संरचना के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि पदार्थ की आधुनिक सिद्धांत जो है संरचना से संबंधित, उसमें बताया गया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. टॉमसन ने किया था, बताने की जरूरत नहीं है आपको, केमिस्ट्री के वीडियो में बताया गया, आप जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो याद रखिएगा, ईंट पर नाच हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। आगे लिख रहा है, अब कुछ पॉइंट यहां बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि 1.4 में समझा भी रहा हूं। लिख रहा, परमाणु के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक। आपको पता है दोस्तों, मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु का जो बीच का हिस्सा होता है ना, यही क्या कहा जाता है, इसी को नाभिक कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियर इसी को कहते हैं, ठीक है, नाभिक, ये सेंटर में होता है। इस नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, आप सभी को पता है बात, ठीक है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, नहीं पता है तो केमिस्ट्री का वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, कर परमाणु का नाभिक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों क्या करता है, वो चक्कर लगाता रहता है। लेकिन क्यों चक्कर लगाता है, क्यों, उस क्यों का रीजन भी अभी आपको देता हूं। लिख रहा, इसका तात्पर्य है कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच कोई ना कोई आकर्षण बल काम करता है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बांधे रखता है।
चलो एक कहानी समझो आप बात को। दोस्तों बताने को आपको बता दिया गया कि मान लो ये कोई पदार्थ है, उस पदार्थ का जो सेंटर है, जो नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो अभी भी मैंने पूछा आपसे कि इलेक्ट्रॉन भाग भी तो सकता है, तो मैंने कहा कि हाँ भाग सकता है, अगर उसको मौका मिले तो जरूर भाग सकता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन भाग भी सकता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस बंद को तोड़ के जा सकता है तो क्या कोई नया इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता? बिल्कुल आ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कब होती है उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले तो मुद्दा ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाता है। इस जैसे मान लो आपको पता होगा कि सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। भाई पृथ्वी लगाती है तो आपसे पूछा जाता है भाई क्यों लगाती है, तो आप कहते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। हमने पूछा भाई चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, आपने कहा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मैंने पूछा क्यों लगाता है, आपने कहा सर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है, ठीक है, ये बल लग रहा है उसकी वजह से चारों तरफ इसके घूमता है। क्या चंद्रमा कभी पृथ्वी को छोड़ करके दूर नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, चंद्रमा दूर जा सकता है, पृथ्वी भी सूर्य को छोड़ के दूर जा सकती। कब? यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए तब। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के प्रति कम हो जाए तो चंद्रमा भी दूर जा सकता है, बिल्कुल दूर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया तो मानव जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है। खैर अलग बात है, अब सुनिए ध्यान से। अभी जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई संबंध इस नाभिक से है, क्योंकि अगर नाभिक से संबंध ना होता, जैसे चंद्रमा का संबंध इस पृथ्वी से है, पृथ्वी का संबंध इस सूर्य से है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का संबंध इस नाभिक से है जिसके अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनके संबंधों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने तमाम खोज और तमाम शोध कार्य शुरू किए। जब उन्होंने शोध किया, ठीक है, जब उन्होंने रिसर्च किया तो शोध में पाया कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो संबंध है वो नाभिक से नहीं है। नाभिक में तो दो लोग पाए जाते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका संबंध प्रोटॉन से है। इनका संबंध किससे है? प्रोटॉन से है। ये प्रोटॉन के चक्कर में घूम रहे हैं। किसके चक्कर में? ये प्रोटॉन के चक्कर में घूम रहे हैं। अब आप कहोगे सर परीक्षा में याद कैसे रखेंगे? मान लीजिए भूल गए तब कभी कि प्रोटॉन के चक्कर में घूम रहे हैं कि न्यूट्रॉन के चक्कर में घूम रहे हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल माने क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन, उसको किसी से मतलब नहीं है, तो उसके चक्कर में कौन पड़ेगा? वो योगी है, योगी के चक्कर में कोई नहीं रहता। ना योगी किसी के चक्कर में पड़ता, ना योगी के चक्कर में कोई रहता, वो अपने में मस्त है। तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या बचा? नाभिक में बचा कौन? नाभिक में बचा प्रोटॉन। भूलोगे क्या? भूलोगे तो बताओ, ठीक है, नहीं भूलोगे, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का संबंध किससे है? इस प्रोटॉन से है, और प्रोटॉन के लिए ही वो उस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा होता है। आगे देखिए, और इसी के साथ दोस्तों यह भी ज्ञात हुआ कि दो प्रोटॉनों अथवा दो इलेक्ट्रॉनों में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। यानी अगर दो दो हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, अगर एक तीसरा आकर के जुड़ जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ जाए या अलग अलग हो जाए, तो ऐसे में आकर्षण प्रतिकर्षण का बल होता है। इनके अंदर चाहे जो भी बल हो, ये जिस बल की वजह से चक्कर लगा रहा वह बल ही क्या है? विद्युत बल है। वह बल जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही किस वजह से, तो आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। वैसे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है किस बल की वजह से? ये कौन सा बल है? यह बल है विद्युत बल, ठीक है। कौन सा बल है? विद्युत बल, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम दिया जाता है। लिख रहा है मूल कणों के इस गुण को जिसके कारण विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। उसी मूल कण पर ये आवेश लग रहा होगा ना, उस आवेश के कारण बल पैदा हो रहा है, ठीक है। और ये बल का नाम क्या है? ये विद्युत बल है, ये इलेक्ट्रिक क्या है? फोर्स है। और जिस आवेश की वजह से लग रहा है वो चार्ज है। तो सुनो चार्ज के बारे में बताऊं, अब यहां से बताता हूं चार्ज के बारे में। कह रहा है विद्युत आवेश, मैंने पीछे बताया कि दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन सा होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। बात आता है किस पे धनात्मक किस में ऋणात्मक।
तो आपको सिंपल सा याद रखना, बताओ जो न्यूट्रल है वो प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो न्यूट्रल है उसके ऊपर कुछ नहीं। अब बचा कौन? बचा इलेक्ट्रॉन और कौन बचा? प्रोटॉन बचा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो जो ज्यादा चक्कर लगा रहा है दौड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको दौड़ा दू, दिन भर दौड़ते रहो, एक आदमी है खा पी के बैठा, बताओ किसके पास ज्यादा एनर्जी? किसके पास ज्यादा एनर्जी? जो बैठा है खा के। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊर्जा को अभी बाहर नहीं निकाला। और जो व्यक्ति दौड़े जा रहा है, उसका सारा ऊर्जा बाहर, यानी वो क्या है, माइनस में चल रहा है। तो जो दौड़ रहा है वो तो माइनस में रहेगा ना बेचारा, दिन भर चक्कर लगाता है तो माइनस में रहेगा ना। कभी भूलोगे कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है कि प्लस चार्ज होता है? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको याद ही नहीं होता सर चार्ज कौन सा होता है। क्योंकि जब तक आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं याद होंगी ना, तब तक ये विद्युत धारा चैप्टर कभी आपको कोई भी इंसान पढ़ा नहीं सकता है। अच्छा अब बताओ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? सर प्रोटॉन पे प्लस होता है, धनावेशित होता है। क्यों? खा पी के घर के अंदर बैठा है जो, तो क्या है इसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज है। लिख रहा भाई, कह रहा प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? धनात्मक होता है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है क्या है? यह आवेश रहित है, ना प्लस ना माइनस, तो न्यूट्रल है ना, क्यों प्लस माइनस का लेना देना। आगे देखिए, कह रहा सामान्य अवस्था में, अगर इन जनरल हम बात करें, कह रहा सामान्य अवस्था में परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। सामान्यतः देखा जाए तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, उसके चक्कर में घूम रहा है, दोनों बराबर हैं, ठीक है, जिससे परमाणु क्या होता है, ये उदासीन बना रहता है। और दो उदासीन परमाणु अगर ले लिया जाए तो उनके बल भी विद्युत बल क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि जैसे कंडीशन वहां पर पाई जा रही थी कि विजाती होंगे तो आकर्षण बल और सजाती होंगे तो प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दो उदासीन परमाणु है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सजाती है, एक जात के हैं, इसलिए यहां पर प्रतिकर्षण होगा, विद्युत बल यहां पर शून्य आ जाता है। आगे देखिए, कर पदार्थों का विद्युत आवेश ये क्या है, सुनिए, कह रहा जब किसी वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या में असमानता उत्पन्न हो जाती है। असमानता माने क्या, यानी एक ज्यादा हो जाए कम हो जाए, सर कौन सा वाला ज्यादा हो जाए कौन सा वाला कम हो जाए? अरे भाई कुछ भी मान लो यार, प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन कम हो जाए, क्योंकि न्यूट्रॉन से तो लेना देना नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, वो तो उदासीन है, उसको तो कोई मतलब है नहीं। अब बचता है हमारे पास प्लस माइनस वाली बात, तो प्लस माइनस का जिम्मा किसके पास है? इलेक्ट्रॉनों के पास है और प्रोटॉनों के पास है। तो कह रहा दोनों में असमानता हो जाए, असमानता देखो, अगर असमानता हो जाए तो वस्तु विद्युत आवेशित हो जाता है, यही वस्तु क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। कैसे कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है? क्योंकि जब तक समानता होती है तब तक वहां पर विद्युत जो ये लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो शून्य होता है। पीछे क्या बताया गया, देखो यहां देखो क्या लिख रहा है, दो उदासीन परमाणुओं के बल विद्युत बल क्या होता है, शून्य होता है, एकदम शून्य, कोई मतलब नहीं। क्यों? अरे जब कुछ बैलेंस है तो किस बात की लड़ाई झगड़ा, तुम्हारे पास भी पैसा हमारे पास भी पैसा ना, ठीक है ना, तुम हमको मारो ना हम तुमको मारे, बात बराबर है। यहां पे गड़बड़ है, क्यों? यहां पे असमानता है, और असमानता होगा तो लड़ाई तो होगा ना, तो अब देखो क्या होगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? लिख रहा है कि यहां पर अगर असमानता होगा तो विद्युत आवेश चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, यहां पर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन आप क्यों मानोगे भाई, हम क्यों माने, आप या हम क्यों माने ये चार्ज होता है? सुनो कहानी सुनो, लिख रहा है सामान्यतः ये आवेशन वस्तु से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। कर ये चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन क्यों क्यों चले जाते हैं भाई, इनको क्या हो गया? क्योंकि असमानता है, असमानता इस वजह से चले जाते हैं। कह रहा है कि यदि वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, कुछ वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, यहां पर यदि वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए बाहर निकल जाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और यदि इसके विपरीत वस्तु में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए कि बाहर जाएगा तो धनावेशित और अंदर आएगा तो ऋणावेशित हो जाता है। कहानी सुनो, इसकी भी कहानी सुनो, सिंपल सी बात देखो, कह रहा है यदि वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाए, देखो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, यहां से निकल के बाहर चला गया। तो अब बताओ, जैसे मान लो प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है, ठीक है भाई, अब मैंने आपको कहा प्रोटॉन अंदर बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अंदर वाला ज्यादा हो गया कि नहीं अपने आप? हाँ भाई, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या यदि ज्यादा होगी तो मामला धनावेशित है या ऋणावेशित है? भाई धनावेशित मामला है, आप बताओ ना इसमें क्या कठिन है। अरे पीछे की बात पे मत ध्यान दो यार,
आप बताओ जो आपसे पूछ रहा हूं, एकदम इत्मीनान से सोचो। इसीलिए आज के इस लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा टॉपिक को नहीं लेके चल रहा हूं। मैंने कहा पहला दिन है, जरूरत से ज्यादा बता दिया आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, सर ये क्या बता दिया, इतना कठिन चैप्टर, इसलिए आराम आराम से सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन चले गए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि पदार्थ के नाभिक में किसी पदार्थ या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो उदासीन है, उसको किसी से मतलब नहीं है, बचता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे धनावेशी चार्ज होता है। बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशी चार्ज होता है। दोनों के बीच में जो बल लगता है उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, उसको विद्युत बल कहते हैं, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब अगर दोनों की संख्या असमान हो जाए, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या असमान हो जाए, और यदि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला जाए, तो जो बाहर चले गए तो ऐसे में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, यानी मामला धनावेशित है। और यदि बाहर से इलेक्ट्रॉन और आ जाए, आओ भैया आओ आओ प्रोटॉन परेशान किया आ जाओ, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो मामला ऋणावेशित हो गया, मामला ऋणावेशित हो गया। तो वही तो बोल रहा है कि यदि वस्तुओं में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और बाहर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगा, धनावेशित। आगे देखिए, तरह प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की भांति समान आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित और विपरीत आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जैसे वहां पे होता था वैसे यहां भी हो रहा है भाई, सजाती होंगी तो प्रतिकर्षित करेंगी, विजाती होंगी तो आकर्षित करेंगी। क्या समझ रहे हैं? तो वही बात बोल रहा है, कर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की भांति समान आवेश वाली वस्तुएं हैं तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षित, अरे सजाती है ना, एक जैसे लोग कैसे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे भाई, कैसे फीलिंग आएगा बताइए, नहीं आएगा ना फीलिंग, फीलिंग आना चाहिए ना, समझ रहे हैं बात को? तो उसी लिए कह रहा है यहाँ पे, और विपरीत आवेश वाले होंगे तो, यानी एक प्लस एक माइनस, तो वहां पे मजा आएगा, प्लस माइनस होगा तभी तो मजा आएगा। तो याद रखें यहाँ पर वस्तुओं के अंदर आकर्षित करने का गुण पैदा होता है। कह रहा है यदि दो विपरीत आवेश वाले वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाए, विपरीत आवेश है प्लस माइनस, अच्छा संपर्क में ला रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, हाँ संपर्क में आ रहे हैं, कर संपर्क में लाया जाए तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा। आगे लिख रहा है ऋणावेशित वस्तु से, अच्छा तो क्या होगा, लाया जाए तो क्या होगा, सुनिए, कर ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धनावेशित वस्तु में तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर न हो जाए। सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात भाई, ये इलेक्ट्रॉन तब तक अपना स्थान बदलते रहते हैं जब तक बराबर ना आ जाए, जब तक समानता ना आ जाए, क्योंकि समानता नहीं आएगी तो ये चीजें होती रहेंगी। ठीक है, समानता जब तक ना आ जाए तब तक, लेकिन आवेश की समानता हो जाने पर, समानता हो गई, कर इलेक्ट्रॉन प्रवाह जस्ट वहीं रुक जाता है तुरंत। ठीक है, कर इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच आवेशों के असंतुलन के कारण होने वाले आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। क्यों? अगर असंतुलन होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गमन करेंगे, स्थानांतरित होंगे, और अगर स्थानांतरित होंगे तो याद रखिए यही विद्युत धारा के रूप में क्या होते हैं, बहते हैं। ठीक है, बहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आते हैं दोस्तों। विद्युत धारा क्या होता है, कई बार इसका नाम आ गया इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, लिख रहा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, विद्युत आवेश, वो जो आवेश है ना पार्टिकल प्लस माइनस, भाई असंतुलन के कारण ही पैदा होता है। अगर असंतुलन ना हो तो बताओ क्या विद्युत धारा आएगी क्या, ना सर कभी नहीं। अगर असंतुलन ना हो सब शून्य हो जाएगा तो विद्युत धारा क्यों जाएगी, हाँ नहीं बहेगी। ठीक है, यानी असंतुलन के कारण ही पैदा हुआ है। लिख रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो प्रवाह की दर है इसी को कहते हैं विद्युत धारा। कह रहा है विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसीलिए इसका जो फार्मूला बनता है ये क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आपसे बोल रहा है एकांक समय में जितना आवेश जो है प्रवाहित हो जाए, यानी आवेश बटा के समय, आवेश बटा के समय तभी होगा एकांक समय में, आवेश बटा के समय। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है। लिख रहा है विद्युत धारा एक अदिश राशि है, यहां पर एक अपवाद पैदा होता है, आपको बताया गया है सदिश राशि और अदिश राशियों के बीच में। ठीक है, सदिश राशि अदिश राशि में दो तरह के चीज आते हैं, एक होता है दिशा, एक होता है परिमाण। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत हो उसको सदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो उसको अदिश राशि बोलते हैं। अदिश यानी दिशा नहीं चाहिए, अदिश दिशा नहीं चाहिए, केवल परिमाण चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर क्या है, विद्युत धारा में दिशा भी चाहिए होता है, परिमाण भी चाहिए होता, दोनों चाहिए होता, उसके बावजूद भी यह एक अदिश राशि है।
इसीलिए एग्जाम में जब कभी पूछा जाता है तमाम लोग गलत कर देते हैं, ठीक, अपवाद है ना, इसलिए तो याद रखेगा विद्युत धारा आ, आ से अदिश, आ से अदिश, जिंदगी भर याद रखेगा, एक नंबर का क्वेश्चन आपका हमेशा सही होगा एग्जाम में, ठीक है। विद्युत धारा में कौन सी राशि है, अदिश राशि है, विद्युत धारा में कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अपवाद है। अच्छा अपवाद भी क्यों, सुनिए, कह रहा यद्यपि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं फिर भी यह एक अदिश राशि है क्योंकि सदिश योग के त्रिभुज का नियम का अनुकरण यह नहीं करता है। अब वो नियम क्या है वो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा, सुनिए आगे। करा किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को, चाहे सतत पथ हो चाहे बंद पथ हो, ठीक है, बंद पथ को विद्युत परिपथ या विद्युत सर्किट कहा जाता है। यही जो आपके घर में वायरिंग हुआ यार, यही विद्युत सर्किट है, जहां से होकर गुजरेगा यह विद्युत सर्किट होता है। करा किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन यानी जो ऋणावेशित वाले कण हैं, करा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, इनके विपरीत होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। कैसे होता है वो कल मैं बताऊंगा। आगे देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे आपने नाम सुना होगा चालक पदार्थों के बारे में, यहाँ पे नान नहीं होगा, गलती हो गया, ठीक है, यहाँ होगा, क्या हो जाएगा, चालक को कंडक्टर कहा जाता है, नान कंडक्टर माने अचालक होता है, सुनिए, करा चालक ना कंडक्टर क्या होता है, करा जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह सरलता से बड़े आराम से वहां जो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको चालक बोलते हैं। चालक मतलब जहां पे जाया जा सकता है, कौन, हम आप नहीं जाएंगे, वहां पर ये आवेश जाता है, कौन सा आवेश, ये जो सर पॉजिटिव नेगेटिव वाला, हाँ वही जाता है, तो पॉजिटिव तो कहीं जाएगा नहीं, निगेटिव वाला दौड़ेगा, नेगेटिव वाला दौड़ेगा, तो याद रखिएगा उसे विद्युत चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे जितनी भी धातुएं हैं, ये सोना चांदी लोहा पारा तांबा, ये सब जितनी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं क्या हैं, ये सभी धातुएं चालक होती हैं, सब में जो है आवेश एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकता है। या जो अम्लीय जल है, नोट करिए, परीक्षा में यही आता प्रश्न, बताइए अम्लीय जल क्षारीय जल से पूछता है कि अम्लीय जल क्या है, अम्लीय जल याद रखिए क्या है, अम्लीय जल हो या फिर लवणीय जल हो, ठीक है, लवणीय जल हो या लवणीय जलों के जो विलयन होते हैं, या जीवों का जो शरीर, हमारा और आपका शरीर, ये गाय बछड़ों का शरीर, ये जीव जंतुओं का शरीर, ये पृथ्वी, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यही कारण है कि अगर हम विद्युत आने पर विद्युत को टच करते हैं तो हमें करंट लगता है, क्यों, आवेश जाता आता है, इस वजह से। हाँ ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा अचालक क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर मतलब सुगमता से हो ही नहीं सकता, अरे सुगमता को मारो गोली, हो ही नहीं सकता, अचालक, अचालक यानी नॉन कंडक्टर, वे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं, वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर कहा जाता है। जैसे जैसे मोम, मोम, अच्छा सर मोम, इसका मतलब है मोम में करंट नहीं आता, ना 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 ना, सूखी लकड़ी नहीं आता, गीली हरी लकड़ी हो तो आएगा, क्योंकि हरी लकड़ी में जल होता है, क्या होता है, हरी लकड़ी में जल होता है, अच्छा सर उस जल की वजह से आ जाता है करंट, हाँ कभी हरी लकड़ी को जाके वायर वगैरह मत सही करना, सूखी लकड़ी से करना, कभी अगर तार को टच करना है तो, ठीक है। आगे लिख रहा आसुत जल जो होता है, आसुत जल परीक्षा में बहुत पूछता आसुत जल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग जानते हैं कि पानी में करंट उतरता है लेकिन आसुत जल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आसुत जल याद रखेगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर माना जाता है। जो कांच होता है नॉन कंडक्टर माना जाता है, जो एबोनाइट होता है नॉन कंडक्टर होता है, रेशम, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी का इस्तेमाल आप देखते होंगे होता होगा, कभी कभी आपने खंभों पर देखा होगा ऐसे गोल सा बना होता है जिससे होकर के वायर आगे जाता है, या आपके घर में एक स्विच लगा होगा मेन वाला, ठीक है, जहां ले जाकर ऐसे डालते हैं, ठीक है, वो चीनी मिट्टी का बना होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है, तो ये सब चीनी मिट्टी के होते हैं, याद रखिए ये भी जो होता है नॉन कंडक्टर होता है। इसके अलावा जो लाख होता है, ठीक है, ये भी नॉन कंडक्टर होता है, रबर होता है, इसीलिए वायर वगैरह में रबर या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, या जो भी अधातुएं हैं ये सब कुचालक होती हैं, कुचालक को ही अचालक कहा जाता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अर्धचालक क्या होता है, हाँ सर कभी कभी सुने हम अर्धचालक के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में सर हम सुने हैं, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर। लिख रहा है कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो सामान्य अवस्था में तो अचालक होते हैं, अचालक मतलब वो दिखाते हैं कि हम जो हमारे अंदर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धियां मिला दिया जाए तो चालक के जैसा व्यवहार करने लगते हैं, यानी है कुछ और, दिख कुछ और रहा है, अंदर से कुछ और है, तभी तो अर्धचालक है, यानी
जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हों उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है, याद रखेगा। जैसे जर्मेनियम आपसे भी पूछता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन दोनों से पूछता है, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है, सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है, ठीक है। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये अर्धचालक माने जाते हैं। करा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन सभी में ट्रांजिस्टर जो है वो अर्ध चालक पदार्थ ही बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं, चलिए, ट्रांजिस्टर नहीं जानते हैं तो कभी जब कंप्यूटर की क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अति चालकता क्या होता है, सुपर कंडक्टर, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर है इसलिए इसका इस्तेमाल सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। क्या है? अति चालकता, सुपर कंप्यूटर में सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। करा वे पदार्थ जो निम्न ताप पर अधिक चालकता पैदा करते हैं वो अति चालक होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1991 में नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमरलिंगोन्स, ठीक है, उन्होंने किया था। करा कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता एकाएक शून्य हो जाना, यानी कि अचानक शून्य हो जाने वाली घटना को ही अति चालकता कहते हैं। लेकिन कब? जब कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता की बात कर जाए तब। करा वह जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, तथा यह निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाता है जिस पर यह शून्य हो जाता है। विभिन्न पदार्थों का क्रांतिक ताप क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जब ये पदार्थ अलग अलग हैं तो क्रांतिक ताप भी भिन्न भिन्न है, यानी जहां पर क्रांतिक ताप भिन्न होता, जो होता है क्रांतिक ताप, उसी पे शून्य होता है। तो देखिए उदाहरण के लिए दे रहा है कि पारे का जो क्रांतिक ताप है वो 4.2 के है, ठीक है, इस पर ये क्रांतिक ताप है 4.2 है। शीशे का क्रांतिक ताप क्या है? 7.25 है। नियोबियम का क्रांतिक ताप क्या है? 9.2 है। आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इत्मीनान से धीरे धीरे सीखो, एक दिन में चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा, 4-5 लेक्चर लगेगा लेकिन एक डन हो जाएगा, फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, धीरे धीरे सीखो। करा वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट B12 होता है ना, जहां पे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं B12 कोबाल्ट, ठीक है, कोबालमिन उसको बोलते हैं, लिख रहा है कि वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट, प्लेटोनियम, गैलोनियम की मिश्र धातु में 18.5 के पर अतिचालकता का गुण प्राप्त करने में सफलता हासिल किया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे लिख रहा है अतिचालक पदार्थों वाले विद्युत परिपथ में यदि एक बार विद्युत स्रोत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो विद्युत स्रोत हटा लेने के बाद भी बहुत अधिक समय तक धारा बहती रहती है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब लाइट कट जाती है तब तो करंट चला जाता है ना, क्योंकि वहां पर प्रवाह जो आवेशों का है वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है दोस्तों, अतिचालक पदार्थों में यहां पर जाने के बाद भी करंट कुछ समय के लिए बना रहता है, आवेश कुछ समय के लिए बना रहता है, क्योंकि ये धारा कुछ समय के लिए बहती रहती है। अतः अतिचालक तारों द्वारा बिना ऊर्जा क्षय किए विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर ऊर्जा का क्षय नहीं होगा और ज्यादा समय तक जो है यह प्रवाह होता रहेगा। बिना शक्ति क्षय किए उच्च चुंबकीय क्षेत्र भी यहां उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दे रहा दोस्तों, करा अतिचालकता का कारण क्या है, भाई क्यों यहां पर ऐसा होता रहता है, लेकिन अतिचालकता का कारण यह है कि क्रांतिक ताप पर अतिचालकता के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते, वहां पर क्या होता है कि दोनों डिपेंड रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब डिपेंड है तो अगर लाइट ऑफ हुआ यानी करंट बंद हुआ, यानी करंट बंद होने का मतलब क्या है, असंतुलन की स्थिति अगर समाप्त हुई, जैसे ही संतुलन की स्थिति आई प्रवाह रुक जाएगा, तो वहां पर ये मामला था। तो याद रखें वहां पर डिपेंडेंसी होती है, यहां पर स्वतंत्रता नहीं होती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, लिख रहा है कि बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते तथा युग्मित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। अभी आगे इस टॉपिक के बारे में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना था, बट मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि अतिचालकता को बस यही रोकना था, अगले दिन की टॉपिक यहीं से शुरू होनी, अतिचालकता से ही, ठीक है। तो अभी अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। करा ये युग्मित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये अतिचालक के अंदर धनायनों से बिना टकराए हुए गति करते रहते हैं, जिससे अतिचालक इनके प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता, अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, अभी मैंने बताया कि जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह हो गया वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, या प्रबल विद्युत चुंबक बनाना है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या अतिचालकों का उपयोग जो है विद्युत शक्ति प्रेषण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और
और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और दोस्तों अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। और बड़ा जल्दी आप सभी परेशान हो जाते हैं, दो दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर जैसे लग रहा जिंदगी रुक सी गई है, क्या करूं दोस्तों बिना पढ़ाए मुझे भी मजा नहीं आता है। बट उधर एक दिन तो मैं तबीयत की वजह से परेशान था और दूसरे दिन जो है एप्लीकेशन की वजह से परेशान था, पूरा दिन मेरा उसी में लग गया। अभी भी मेरा एप्लीकेशन का काम पेंडिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में क्लास अगर एक दो दिन तीन दिन डिस्टर्ब होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन अगर तीन से चार दिनों का अंदर आपको मिल जाता है तो आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी वेबसाइट है वो बंद तो गई है लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग वहाँ जो है कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन आ जाएगा तो आप बड़ा कंफर्टेबल वहाँ रहेंगे और आराम से हर विषय पर अच्छी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन ये वन टाइम प्रॉब्लम है, बार बार तो होगा नहीं। एक बार लॉन्च हो जाएगा, एप्लीकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। इस वजह से मेरा समय वहां चला गया, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आगे मेरी क्लास कंटिन्यू रहे, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है ज्योग्राफी के लिए, तो कल से डन है ज्योग्राफी की क्लास भी आपकी चलाई जाएगी। एनसीईआरटी में जो कंप्यूटर की क्लास में देने वाला था उसको मैं डिले कर दिया एक हफ्ते के लिए। कल से आप सभी के डिमांड को ध्यान में रखते हुए कल से फिजिक्स और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी, प्लस एक जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर चल रहा है वो आपका बना रहेगा, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।